हेलो गाइस, स्टूडेंट हेल्प यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो में आपसे सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। तो गाइस, यहाँ पे गन्ना पर्यवेक्षक के लिए यहाँ पे न्यूज़ अलर्ट हो के आई। तो इस वीडियो इसमें क्या करना है आपको, किस लिए ये न्यूज़ अलर्ट हो के आई, इस वीडियो में आपसे ये डिस्कस करने वाला। तो वीडियो के अंत तक बना रहना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, हमको एक नई विंडो पे ले जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये छोटा छोटा चीज़ आपको पढ़ लेना है। तो सी ऑब्जेक्शन लिस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक दोस्तों यहाँ पे जो रेड लाइन दिख रही है, तो यहाँ पे लिखा है प्लीज क्लिक ऑन द कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन नंबर सो इन द फॉलोइंग लिस्ट टू री अपलोड फोटो वैलेट विद द सिग्नेचर। यहाँ पे दोस्तों बता रहा है कि अपना री अपलोड फोटो करना है, सिग्नेचर वैलिड फोटो सिग्नेचर दोबारा से अपलोड करना है। अब लगता है मतलब इसकी परीक्षा भी होने वाली, इसीलिए दोबारा से मारा, क्योंकि इसका एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों 2016 में लिया गया था। तो आपको क्या करना है, कैसे फोटो अपलोड करना है दोबारा से, आपको इस वीडियो में थोड़ा सा बता दें। यहाँ पे गाइडलाइन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको गाइडलाइन दिया है। तो इसकी फ़ोटो होनी चाहिए 30 KB, मतलब जो फोटो होना चाहिए वो 30 KB की होनी चाहिए, नॉट मोर देन 20 KB, 20 KB की नहीं होनी चाहिए, 30 KB की फ़ोटो होनी चाहिए। अगर सिग्नेचर की बात करेंगे दोस्तों, सिग्नेचर 20 KB का होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे देख लेते हैं कैसे आपको करना है। इस विंडो को हम बंद कर देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं इधर। तो क्या क्या कमी थी जिसका फॉर्म मतलब दोबारा से लिया गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए फोटो वेरी स्मॉल था इनका, इन भाई साहब का, तो इनका मतलब दोबारा से बोल रहा है अपलोड करने के लिए। वेरी फोटो इज नॉट अ पर जेंडर, तो इनका जेंडर से रिलेटेड कोई फ़ोटो मतलब नहीं था, कोई मतलब फीमेल या मेल के वजह से मैच नहीं कर रहा था, इसलिए इनका दोबारा से बोल दिया गया। फ़ोटो विद सिग्नेचर, फ़ोटो और सिग्नेचर में कोई दिक्कत थी इनकी। तो इसको कैसे करना है आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अंकित शर्मा के रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नए विंडो ओपन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ पूरा, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, सेलेक्ट जेंडर पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है ध्यान से, अगर फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लेना, मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये कैप्चा आपको भर देना है, कैप्चा भरने के बाद सबमिट कर देना। दोस्तों सबमिट जैसे करेंगे आपके पास एक विंडो ओपन होती दिखाई देगी, उस विंडो को आपको क्या करना है दोस्तों, तो उस विंडो में आपसे मांगेगा कि प्लीज़ अपलोड फोटो, प्लीज़ अपलोड सिग्नेचर। तो आप सिग्नेचर और फोटो 20-30 KB का होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए 20 KB का, फोटो 30 KB का होना चाहिए। उसको आप बना के, अगर आप नहीं बना पाते आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बना के सिखा दूँ कैसे बनाई जाती है। तो ये सबमिट कर देंगे तो आपको दोबारा से अपलोड हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में यही थोड़ा सा डिस्कस था, तो आपको बताना मैं ज़रूरी समझा। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।